अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टेली प्राइम की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे टेली प्राइम में स्टॉक आइटम्स की रिपोर्ट क्या है और उसे कैसे देखते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि जिन ट्रांजैक्शंस को हम वाउचर्स के माध्यम से रिकॉर्ड करते हैं, टैली में उनकी ऑटोमेटिक पोस्टिंग होने के बाद वे ट्रांजैक्शंस संबंधित लेजर में कैसे दिखते हैं। जिस तरह से हमारे ट्रांजैक्शन का प्रभाव लेजर पर पड़ता है, उसी तरह जब हम सेल्स परचेज, सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न के ट्रांजैक्शन स्टॉक आइटम्स यानी इन्वेंटरी के साथ वाउचर्स में रिकॉर्ड करते हैं, तो उनका प्रभाव लेजर के साथ साथ स्टॉक आइटम्स यानी इन्वेंटरी पर भी पड़ता है, और इस प्रभाव को हम इन्वेंटरी बुक्स के अंतर्गत स्टॉक आइटम्स समरी में देख सकते हैं। हम इन्वेंटरी से संबंधित दो वीडियोस बना रहे हैं, जिसमें से ये पहली वीडियो है। यदि आप स्टॉक आइटम्स के साथ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं तो ये दोनों वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, इन्हें जरूर देखें। स्टॉक आइटम्स की रिपोर्ट के द्वारा हमने अपनी कंपनी में जितने भी स्टॉक आइटम्स बनाए हैं उनमें से किसी भी स्टॉक आइटम की पूरी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉक आइटम्स का ओपनिंग बैलेंस क्या था, किससे कितना माल खरीदा, किस भाव में खरीदा, किसको कितना माल बेचा, किस भाव में बेचा, अभी हमारे पास कितना माल शेष है इत्यादि। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। यहाँ से हमें रिपोर्ट्स के अंतर्गत डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर जाना होगा। उसके लिए डी प्रेस करेंगे। अब इन्वेंटरी बुक्स के लिए आई प्रेस करेंगे। अब स्टॉक आइटम्स के लिए फिर से आई प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पर एक लिस्ट दिखाई पड़ रही है जिसमें हमने जितने भी स्टॉक आइटम्स बनाए हैं उन सभी के नाम दिखाई पड़ रहे हैं। आप जिस स्टॉक आइटम की डिटेल्स चाहते हैं उसके नाम का पहला अक्षर टाइप करें। जैसे हमने ओनिडा टीवी 20 इंचेस के लिए ओ टाइप किया। ऐसा करते ही इस अक्षर से शुरू होने वाले जितने भी नाम होंगे वो सभी हाईलाइट हो जाएंगे। अब अप या डाउन एरो की से उस पर जाकर एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करते ही स्टॉक आइटम मंथली समरी की स्क्रीन आ गई है। इसमें सबसे ऊपर की ओर आप स्टॉक आइटम्स का नाम और रिपोर्ट का पीरियड देख सकते हैं। यदि पीरियड चेंज करना हो तो F2 की सहायता से कर सकते हैं। पर्टिकुलर में सबसे ऊपर ओपनिंग बैलेंस है। यदि हमने स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय कोई ओपनिंग बैलेंस डाला होगा या पिछले साल का कोई ओपनिंग बैलेंस होगा तो यहाँ पर उसकी क्वांटिटी और वैल्यू दिखाई पड़ेगी, और इसके बाद महीनों के हिसाब से पूरे फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट दिखाई पड़ रही है। आप जिस माह की रिपोर्ट देखना चाहते हैं उस पर जाकर एंटर प्रेस करें। देखिए हमने जिस माह को चुना उस माह की पूरी रिपोर्ट आ रही है। यदि आप किसी अन्य पीरियड की डे वाइज रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो F2 प्रेस करके वो पीरियड टाइप करना होगा। जैसे यहाँ हम F2 प्रेस करके 1 मई से 31 अक्टूबर टाइप कर रहे हैं। ये देखिए हमारे द्वारा सिलेक्ट किए गए पीरियड की रिपोर्ट आ गई है। हमेशा ये खास बात ध्यान रखें, जब भी आप कोई रिपोर्ट ओपन करें सबसे पहले उसकी तारीख या पीरियड अवश्य चेक करें। यहाँ भी पर्टिकुलर्स में सबसे ऊपर ओपनिंग बैलेंस है, उसके बाद पार्टी का नाम या कैश या बैंक यानी जिस भी माध्यम से ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उसका नाम दिखाई पड़ रहा है, उसके बाद वाउचर का टाइप है और फिर वाउचर नंबर है। इसके बाद हमने जो भी माल खरीदा वो इनवर्ड वाले कॉलम में है, जो भी माल बेचा है वो आउटवर्ड वाले कॉलम में है, और हमारे पास जो माल बचा है यानी कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्लोजिंग बैलेंस वाले कॉलम में दिखाई दे रहा है, और ये सब डिटेल्स क्वांटिटी और वैल्यू के साथ है। यहाँ पर किसी भी स्टॉक आइटम के क्लोजिंग बैलेंस से आशय होता है ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेस माइनस सेल इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। जैसे यहाँ क्वांटिटी में ओपनिंग बैलेंस 10 है प्लस टोटल परचेस है 7, दोनों का जोड़ हुआ 17। इसमें से टोटल सेल 6 को घटा देंगे तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया 11।
यदि आप इन सभी की आइटम वाइज डिटेल्स देखना चाहते हैं तो ऑल्टर और F5 प्रेस करें। और यदि किसी वाउचर को ओपन करके देखना चाहते हैं तो उस पर जाकर एंटर प्रेस करें। देखिए, हमने इस वाउचर से जो माल बेचा था उसकी डिटेल्स दिखाई पड़ रही है। यदि आप इसमें कुछ ऑल्टरेशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके बारे में हमने डे बुक के पार्ट 3 में विस्तार से समझाया है। अब यदि आप किसी दूसरे स्टॉक आइटम की डिटेल्स देखना चाहते हैं तो F4 प्रेस करके उस स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करें। ये देखिए, सिलेक्ट किए गए आइटम की पूरी डिटेल दिखाई दे रही है। यहाँ आप देख सकते हैं हमने जो परचेज रिटर्न की थी, जिसके लिए हमने डेबिट नोट वाउचर बनाया था, वो इन वर्ड्स में माइनस के निशान के साथ दिखाई पड़ रही है। माइनस में वो इसलिए दिखाई पड़ रही है क्योंकि जब हम परचेज रिटर्न करते हैं यानी खरीदा हुआ माल वापस करते हैं तो वो परचेज में से कम होता है और उसे कम करने के लिए उसके आगे माइनस का निशान लगा होता है। इसी तरह जब कस्टमर ने जो हमें सेल्स रिटर्न की थी, जिसके लिए हमने क्रेडिट नोट वाउचर बनाया था, वो आउटवर्ड्स में माइनस के निशान के साथ दिखाई पड़ रही है। यहाँ हम आपसे कुछ बातें कहना चाहेंगे। पहली बात, इसके पहले डे बुक और लेजर वाली वीडियोस में हमने आपको ट्रांजेक्शन से संबंधित जो शॉर्टकट्स बताए थे वो सब यहाँ भी काम करते हैं, इसलिए आप डे बुक और लेजर की वीडियोस को जरूर देखें और यहाँ पर भी उन शॉर्टकट्स का उपयोग करें। दूसरी बात, राइट बटन बार में जितनी भी शॉर्टकट कीज दी हुई हैं, उन सभी का उपयोग करके उनके रिजल्ट्स को समझने का प्रयास जरूर करें। ये सभी आपको भविष्य में बहुत काम आएंगी। तीसरी बात, यहाँ आप F12 प्रेस करके कॉन्फ़िगरेशन मेन्यू में जितने भी ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं उन्हें अच्छे से समझने के लिए एक एक ऑप्शन को यस और नो करके उनके इफेक्ट्स जरूर देखें। यदि आप टैली में कुछ काम कर रहे हैं और इस बीच उस काम को बंद किए बगैर किसी स्टॉक आइटम की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो उसके लिए गो टू पर माउस से क्लिक करें और यहाँ दिखाई पड़ रहे शो मोर पर जाकर एंटर प्रेस करें, फिर टाइप करें स्टॉक। ऐसा करते ही एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें स्टॉक आइटम मंथली समरी दिखाई पड़ेगी, उस पर जाकर एंटर प्रेस करें। अब जिस स्टॉक आइटम की रिपोर्ट देखना चाहते हो उस पर जाकर एंटर प्रेस करें। तो इस वीडियो में आपने जाना कि स्टॉक आइटम्स की रिपोर्ट किस तरह देखते हैं। इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्टॉक ग्रुप्स के साथ स्टॉक आइटम्स की रिपोर्ट कैसे देखते हैं।